मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़े मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग जालसाजी करते हुए गरीब लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाते थे और उनका सौदा राजस्थान में कर देते थे। पुलिस ने गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनके चंगुल से 4 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया है। 29 मार्च को पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। 1 अप्रैल को पुलिस को इनके राजस्थान के झालावाड़ में होने की खबर लगी थी। पुलिस टीम राजस्थान भेजी गई थी। पुलिस ने झालावाड़ में प्रेमा और तवर सिंह नाम के पति पत्नी के घर से 2 लड़कियों को बरामद किया। बाद में उनकी निशानदेही पर 2 और नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया गया। साथ ही 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 तारीख को खबर आई कि ये 2 लड़कियों को राजस्थान के झालावाड़ में देखा गया। 2 लड़कियों को बरामद किया गया। बाकी 2 लड़कियों की उसमें एक तंवर सिंह एंड उसकी वाइफ प्रेमा, उनको हिरासत में लिया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो 2 अन्य लड़कियों के बारे में भी जानकारी मिली। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी और प्रयास किए गए तो वहां पर 2 लड़की और मिली, जिनमें की 8 आरोपियों को जिसमें गिरफ्तार किया गया है और 4 लड़कियों को सकुशल वहां से बरामद कर लिया गया।